अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक और नए व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। आज के व्लॉग में सबसे पूछा जाने वाला सवाल का जवाब दूंगी मैं। सबसे ज़्यादा मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि कैसे मैनेज करती हैं, कैसे करती हैं। तो मैं आज बताती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपनी घर की रूटीन, अपने बच्चे, अपना काम, अपना बिज़नेस, अपने स्टूडेंट्स, अपना चैनल कैसे मैनेज करती हूँ। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर देखा जाए ना तो हर चीज़ को मैनेज करने का ना एक तरीका होता है और एक वक्त होता है। अगर आप वक्त पर हर चीज़ करते हैं ना तो आपकी हर चीज़ मैनेज हो जाती है। हर काम टाइम पर होता है और आपको पता भी नहीं चलता, स्लाइटली हर चीज़ होती चली जाती है और आप जो है ना हर चीज़ से गुज़र कर पास हो जाते हैं। तो मैं जो है ना, जब अगर मुझे कोई काम करना होता है ना तो मैं टाइम टेबल बनाती हूँ। उसका टाइम जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर मुझे कोई काम करना है, जैसे ये कपड़े धुले थे तो मुझे आज ये तय करके अलमारियों में डालने थे, और मैंने ये सोचा था कल के मुझे ये कल डालने हैं, तो मैं हर काम छोड़कर अपना ये काम पहले करूँगी, क्योंकि मैंने इसका दिमाग में जो है टाइम टेबल बनाया हुआ था कि आज मुझे ये काम करना है लाजमी। इसी तरह से कोई ऑर्डर मुझे लेना होता है तो उनको भी मैं कहती हूँ कि भाई एक दिन पहले आपने बताना है और आपको टाइम पर मिलेगा। तो टाइम टेबल अगर होता है ना तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात, किसी भी काम के टाइम पर मोबाइल यूज़ नहीं करती, उससे टाइम वेस्ट होता है। कपड़े तय करके अगर मैं रख रही हूँ तो साथ साथ जो कपड़े मैसी हुए हुए हैं, जो अनवेल हैं कपड़े, उनको निकाल के उनको भी सेट कर दूँगी। तो इस तरह से ये भी मैनेज हो गया। तो जब मेरा बच्चा आएगा यहाँ पर कपड़े लेने के लिए तो उसको हर चीज़ अपनी जगह पर मिलेगी, वो मुझे बार बार आवाज़ें नहीं लगाएगा, तो उससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा, बच्चे का भी टाइम बचेगा। तो इस तरह से अपने काम को आसान बनाने के लिए टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, और टाइम बचाने के लिए ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, बच्चा आपको बार बार आवाज़ें नहीं लगाएगा, और जब बच्चा बार बार आवाज़ें नहीं लगाएगा तो आपका टाइम बचेगा। तो इस तरह से ना मैं हर चीज़ को जो है अपने टाइम टेबल के हिसाब से, हर काम को अपने टाइम टेबल के हिसाब से करती हूँ। यहाँ तक कि मुझे कहीं जाना भी होता है ना तो मेरा उस जाने का जो टाइम टेबल होता है ना वो भी एक हफ़्ते पहले सेट हो चुका होता है। जुम्मे का दिन जो है ना बेडशीट चेंज करने के लिए ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जुम्मे के दिन यहाँ पर हैदराबाद में छुट्टी होती है, तो अक्सर जुम्मे के दिन ही कोई ना कोई, या मेरे हस्बैंड के फ्रेंड या अम्मी वाले या कोई ना कोई आ ही जाता है। तो कमरा जो है साफ़ सुथरा तभी लगेगा ना जब आपके बेड पर बेडशीट अच्छी बिछी हुई होगी, आपका कमरा सिमटा हुआ होगा, तो जुम्मे वाले दिन थोड़ा सा ये काम मेरा माइंड बना हुआ होता है, टाइम टेबल बना हुआ होता है मेरे दिमाग में कि मुझे जुम्मे वाले दिन ये काम करना है, तो मैं ये काम जुम्मे के दिन कर लेती हूँ। तो ये कमरा जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है। आने वाला सोचता है कि जब भी आते हैं कमरा साफ़ होता है, उसको ये नहीं पता कि मुझे पता है कि जुम्मे के दिन ही किसी ना किसी ने आना होता है। तो खैर, ये तो एक दिमाग की खेल है ना, कि दिमाग से इंसान सोच कर अगर काम करता है ना तो उसको जो है ना थोड़ा सा ज़रा अंदाज़ा हो जाता है, काम करते करते, ज़िंदगी गुजारते गुजारते, चीज़ों को देखते देखते अंदाज़ा हो जाता है कि इस तरह से इस वक्त ये काम सही रहेगा। अब आज मेरी जो है ना हेल्पर नहीं आई थी। अब मुझे जो है दोपहर का खाना भी बनाना था, बच्चों को मैंने नाश्ता तो करवा दिया सुबह में, अब बच्चे एग्ज़ाम देकर जब आ जाते हैं ना तो सुबह में आके नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को भी उनको भूख लग जाती है। तो बस अभी मैंने सोचा कि मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, तो मैं अपना भी ख्याल रखती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तो आप बस सारा दिन काम में ही मगन रहेंगे, अपने आप को स्ट्रेस नहीं देती। अगर मुझे जो है ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरा आगे बहुत ज़्यादा काम है तो मैंने पोछा छोड़ दिया, मैंने पोछा लगाना ही नहीं है, क्योंकि फ़र्श में मैंने ऐसा झाड़ू लगा दिया कि मुझे पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन अगर मेड आएगी तो वो अपना काम आके कर लेगी, अगर नहीं भी आएगी तो मैं लगा दूंगी अगर ज़रूरत होगी तो। मैं अपने आप को स्ट्रेस नहीं दूंगी, मैं उतना ही काम अपने ऊपर डालती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। अब आज जब मैं आज व्लॉग बना रही हूँ ना तो बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जुम्मे का दिन है तो ये सारे मोहल्ले के बच्चे हैं, सारे जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। अब जब ये नमाज़ पढ़ के आएँगे ना तो इनको लगेगी भूख, तो मुझे बनाने थे आज लौकी के कोफ्ते, और साथ में जो है किचन आपको पता है कि मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन वर्तन धो लेती हूँ इससे पहले जो मुझे नाश्ता करना था, क्योंकि मेरी जो है ईटिंग विंडो स्टार्ट हो जाती है 2 बजे, तो अभी फ़िलहाल जो 2 बज रहे थे ना तो मैंने अपना नाश्ता कर लेना था। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप किस तरह से डाइट कर रही हैं, क्या आपका डाइट प्लान है? तो मेरा डाइट प्लान ये है कि मैंने इंटरमीटेंट फास्टिंग स्टार्ट की है, जो 2 बजे स्टार्ट होता है विंडो ईटिंग का, और रात को 10 बजे तक ये विंडो चलता है।
तो 10 बजे तक मैं खाना पीना करती हूँ, मतलब वक्फे वक्फे से खाती हूँ, हर वक्त मैं खाती पीती नहीं रहती। और पराठा मैंने बनाया है तो ये भी मैं आधा खाऊंगी, यानी मैं सब कुछ खा रही हूँ लेकिन कंट्रोल करके, पोषण कंट्रोल कर रही हूँ। मैं पहले एक पराठा पूरा खाती थी तो अब मैं आधा खा रही हूँ, और आधा पराठा जो था वो मैंने मुर्गा मुर्गी को दे दिया है, वो खा लेंगे। और खाने से पहले पूरा एक ग्लास भर के मैं पानी लाजमी पीती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर अभी नाश्ता किया ना, अब 2 घंटे के बाद मैं कोई भी फ्रूट खा लूँगी जो भी घर में अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, स्किप कर दूँगी, खीरा खा लूँगी। मतलब इस तरह से मैं कुछ ना कुछ ऐसा खा लेती हूँ कि मेरा पेट जो है ना वो भरा हुआ रहे, बार बार मुझे भूख भी ना लगे, और ऐसी कोई चीज़ ना खाऊँ मैं कि जो मेरे लिए नुकसानदेह हो। ख़ास तौर से मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी हुई है, चीनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल शुगर का इस्तेमाल कम कर दिया है मैंने। अभी जो मैंने मीठा बनाया था ना, 2 दिन पहले हलवा बनाया था, उसमें से भी मैंने बहुत लिमिटेड खाया था, हालाँकि मैं जो है ना ये सारा खा जाने वाली थी, अगर मैं डाइट नहीं कर रही होती, मैंने अपना डाइट कंट्रोल नहीं किया हुआ होता तो ये सारा मैंने ही खा जाना था। तो बस ये मेरा डाइट प्लान है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, डाइट को कंट्रोल कर रही हूँ, मैं बहुत सख्त वाली डाइट नहीं कर रही हूँ। खैर रेसिपी की तरफ आते हैं, ये रेसिपी बहुत मज़े की है और ज़रूर इसको आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये कोफ्ते जो है ना, कोई भी देखकर ये नहीं कहेगा कि आपने ये कोफ्ते किसी सब्ज़ी से बनाए हैं, जो खाएगा ना उसको भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कद्दू डला हुआ है या लौकी डला हुआ है। तो देखिए मैंने लौकी ले ली थी, बड़े साइज़ की है ये, और इसको मैंने ना कद्दूकश किया है। कद्दूकश पहले मैंने जो है ना बिल्कुल बारीक वाला करना था, तो बारीक वाला बहुत देर लग रही थी तो मैंने थोड़ा बड़ा वाला स्टार्ट किया, लेकिन बड़ा वाला बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मैंने बिल्कुल बारीक वाला ही कद्दूकश किया। और जो बीज के जो बीज का पोर्शन था ना, जो बीज में जो बीज होते हैं वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, वो मैंने इसमें नहीं डाला है, वरना बीज बार बार बीज में से आएंगे और सारे कोफ्ते टूट जाएंगे। फिर जो मैंने सारा यहाँ पे कद्दूकश करके रखा था ना, ये लौकी, इसको मैंने इसके अंदर से पानी रिमूव कर दिया, दबा दबा के सारा पानी निचोड़ लिया, सारा पानी फेंक दिया है, और ये जो लौकी का जो ये सारा कद्दूकश है ना, इसके अंदर अब डालेंगे सारे मसाले। अच्छा यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, लाइट चली गई थी, बिल्कुल रोशनी कम है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँगी। इसमें मैंने धनिया डाल दिया 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, 2 से 3 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाली हैं, चॉप की हुई प्याज डाली है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, 2 से 3 टेबल स्पून आप समझ लें 2 प्याज थी दरमियाने साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, जो ऑमलेट की होती है ना उस तरह से, और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे बेसन डाला है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल दूँगी बाइंडिंग के लिए। लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक डाल दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा इसका जो है बैटर तैयार कर लेंगे, यानी जो कोफ्तों का जो मसाला है ना वो तैयार कर लेंगे। लेकिन मुझे अभी है ना बेसन कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबल स्पून और बेसन डाल दिया इसके अंदर, तो इससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग भी हो जाएगी। अच्छा ये बेसन जो था ना भुना हुआ था, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, भुना हुआ डालना चाहें तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है, अगर ऐसे डालना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। बस अब कोफ्ते बनाना स्टार्ट किए, हाथों को थोड़ा सा गीला कर लिया था तो उससे जो है बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो जाती है और इसमें क्रैक्स नहीं पड़ते हैं कोफ्तों में, अगर क्रैक्स नहीं पड़ते तो फिर टूटते भी नहीं है कोफ्ते। बस ये कोफ्ते बना के रख लूँगी, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाऊँगी वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। फ्राइंग पैन लिया है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, मतलब बहुत कम ऑयल भी नहीं लिया, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लिया है, नॉर्मल मैंने ऑयल लेकर और कुकिंग ऑयल है ये, उसमें मैं कोफ्ते फ्राई कर लूँगी, दोनों साइड से फ्राई कर लूँगी ताकि अंदर से भी कुक हो जाए, क्योंकि कद्दू भी कच्चा है, बेसन के मैंने इसमें इस्तेमाल किया है वो भी सिर्फ भुना हुआ ही है, और अगर कद्दू कच्चा रह गया, यानी जो मैंने लौकी इस्तेमाल की है अगर कच्ची रह गई तो उसका फ्लेवर मज़े का नहीं आएगा। तो अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, मतलब मीडियम फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच होगी तो ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे होंगे। तो मैं यही कोशिश करती हूँ जो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो वो फुल प्रूफ हो और आप लोगों को समझ में भी आ जाए, और हर चीज़ में आप लोगों को बताऊँ तो आप लोगों को, जब आप लोग इसको ट्राई करें तो मुश्किल ना हो। तो सारे मेरे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए थे, अब यहाँ पे मैंने एक वॉक ले लिया है, वॉक में मैंने डाल दिया है वही वाला ऑयल जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे, ये वाला ऑयल डाला है। अच्छा इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, अगर ऑयल ज़्यादा डालूंगी तो मसाला भूनने में मज़ा आता है, फिर ये ऑयल थोड़ा सा मैं बाद में निकाल लूँगी, ऑयल ज़्यादा होता है ना तो मसाला बहुत अच्छा सा भून जाता है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्याज, तकरीबन 2 प्याज मैंने यहाँ पर डाले हैं चॉप करके, बिल्कुल बारीक
ऑमलेट वाला चॉप किया है और उसको डाल के मैं यहाँ पर फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। उतनी देर में मैं यहाँ पर ले लूँगी 2 टमाटर, बड़े साइज़ के टमाटर हैं और इनका बनाना है पेस्ट। टमाटर के साथ मैं इसमें और भी चीज़ें डालूंगी, जिसमें धनिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब धनिया, और तकरीबन आधा पाव के करीब मैंने इसमें दही इस्तेमाल किया है, आधा पाव दही डालकर, और इसका मैं बहुत अच्छा से एक ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद इसको हम एक साइड पर रख देंगे और आ जाते हैं दोबारा से प्याज पर। प्याज देखें ब्राउन हो गई है, इसको कच्चा नहीं छोड़ना है, प्याज को ब्राउन ही करना है ताकि सालन में बहुत अच्छा सा कलर आए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 टीस्पून के करीब, और साथ में जो ब्लेंड करके रखा था ना दही और टमाटर का मिक्सचर, वो डाला। मसाले डाल दिए जिसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर दोनों 1-1 टीस्पून के करीब, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब, और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब, नमक हसब जायका चला जाएगा। अच्छा, मेरा जो गरम मसाला है ना घर का बना हुआ, उसमें जायफल, जावित्री, हर चीज़ मौजूद है, तो मुझे अलग से इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, मैंने सब कुछ उसमें डाला हुआ होता है। तो बस वो डाल के अच्छी तरह से भून लिया, और ये देखें कोफ्ते, आप कह नहीं सकते कि ये किसी गोश्त के नहीं हैं कोफ्ते, या चिकन के नहीं हैं, या बीफ के नहीं हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लौकी के कोफ्ते हैं। कोई देखेगा ना अगर, तो वो एक नज़र देखकर यही कहेगा कि ये या तो चिकन के कोफ्ते हैं या बीफ के कोफ्ते हैं, क्योंकि इतने बाहर से देखने में भी यम्मी हैं और खाने में तो उससे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड तो खा के ये कह दिया कि मुझे लग ही नहीं रहा कि इसमें चिकन इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो बस गार्निश किया है और कोफ्ते मज़े के तैयार हो गए। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। मैंने जो थोड़ा तेल था ना ज़्यादा डाला था वो निकाल लिया है, आगे मैं इस्तेमाल कर लूँगी। मैं केरी के अचार में मीठ इसको डाल देती हूँ ना। तो ये था मेरा मैनेजमेंट, जिसकी वजह से हेल्पर ना होने से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लंच का टाइम हो गया था, बच्चे लंच करेंगे, आपको मैं दिखाती हूँ ये कोफ्ता तोड़ के कैसा मज़े का बना है। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।